हाउ टू रीड डिविजनल चार्ट्स, वर्ग कुंडली देखने की स्पेशल टेक्निक्स। हमें पता है कि हर एक आपका डिवन चार्ट में मोस्ट ऑफ द हाउसेस की एक्सटेंशन या डिटेलिंग के लिए उनकी हम वर्ग कुंडली बनाते हैं। सपोज आपने किसी के प्रोफेशन से रिलेटेड देखना है तो हम उसका बर्थ चार्ट या डिवन चार्ट तो देखेंगे ही, मगर साथ में हमें उसकी माइन्यूट डिटेल जानने के लिए, स्पेसिफिकली जानने के लिए हमें D10 चार्ट, दशमांशा चार्ट भी देखना पड़ेगा। मैरिज के लिए जैसे हमें D9 नवांश चार्ट देखना पड़ता है, बच्चों से रिलेटेड मैटर्स के लिए हमें D7 चार्ट, जो कि आपका फिफ्थ हाउस का एक्सटेंशन है, वो देखना पड़ता है। तो हम किसी भी डिविजनल चार्ट में क्या देखें, किस तरीके से देखें, मैं आज की क्लास में आपको एक स्पेशल टेक्निक बताने वाला हूँ, और ये टेक्निक आपको किसी भी लिटरेचर में या कहीं भी नहीं मिलेगी, और ये स्पेशली मैं आपको D10 चार्ट से बता रहा हूँ, मगर सेम टेक्निक यू कैन अप्लाई ऑन ऑल द चार्ट्स। आपको D9 देखना है तो भी आप इसी टेक्निक को यूज़ करेंगे, D7 देखना है तो भी इसी टेक्निक को यूज़ करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा केयरफुली, मैं स्लो पेस में इसको बता रहा हूँ, समझने की चीज़ है, और आपको समझ में आ गए तो बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं वो डिविजनल चार्ट्स का यूज़ कम करते हैं, तो आज की मेरी टेक्निक सभी के लिए हेल्पफुल है। देखिए हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। ये मैंने एक एक्वेरियस या कुंभ लग्न की एक कुंडली ली हुई है नेटिव की, और नेटिव मेरे पास ये फीमेल की कुंडली है, वो आए थे, उनके फादर ने मेरे से बात की कि इनके प्रोफेशन से रिलेटेड आप मैटर्स को मैंने बताइए, तो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ। ये लग्न कुंडली है, ध्यान से देख लीजिएगा, एक्वेरियस साइन की कुंडली है ये आपकी कुंभ लग्न की। मैंने इसका दशमांशा चार्ट निकाला, ये दशमांशा चार्ट इसका हो गया, यहाँ पर ये दशमांशा चार्ट है इसका, और दशमांशा चार्ट में इसकी पाइसेस या मीन लग्न की कुंडली है। अब इस दशमांशा चार्ट में मैंने क्या किया, इसके जो उसकी लग्न जो थी उसको इसकी लग्न बना दिया। तो सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रोविजन होता है, मैं यदि इस 11 साइन को प्रेस करूँगा तो आपकी ये 11 साइन यहाँ पर आ जाएगा आपका लग्न में, और इस तरीके से आपका ये सारे हाउसेज रोटेट हो जाएंगे। तो इसको 11 साइन की कुंडली बनाने का मतलब इसको पहला फर्स्ट हाउस या सेकंड थर्ड इस तरीके से बनाऊंगा, तो देखिए ये आपका इसकी राशि तुल्य दशमांश बन जाएगा। राशि तुल्य नवांश का मैं एक पहले क्लास में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो हमने उसी तरीके से राशि तुल्य दशमांश दशांश बना लिया इसका। तो राशि तुल्य दशांश बनाने के लिए नेटिव का लग्न 11 है, आपने इसका दशमांश चार्ट लिया, उसकी लग्न 12 थी। अब आपने क्या करना है, इसकी 11 को लग्न बना के इस पूरे चार्ट को फिर से ड्रो कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट हाउस होगा, सेकंड हाउस होगा, थर्ड हाउस होगा, फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, तो 12 साइन में ये आएंगे। तो फिर से मैं ड्रॉ करूंगा तो देखिए बनने वाला है आपका। तो लग्न में 11 साइन हो गया, और इसके बाद आपका ये सन है सेकंड हाउस। तो अब मेरे पास राशि तुल्य दशांश एक है, और एक मेरे पास ये इसकी लग्न कुंडली है। अब मैंने इन दोनों को एक ही पेज पे बना लिया है। ये इस नेटिव की लग्न कुंडली है, और ये उसके दशांश से मैंने राशि तुल्य दशांश बनाया था, वो कुंडली ये रही। अब हम इसे देखेंगे कैसे, इसको हाइब्रिड चार्ट बोल सकते हो। दिस इज हाइब्रिड चार्ट ऑफ बोथ D10 एंड लग्न, दोनों का मिक्स करके बना दिया है। देखने के लिए आपको क्या करना है, प्रोफेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं नोट करते जाइए चीजें आप। प्लेनेट इन 1, 4, 5, 9 हाउसेज इसके, दिस फर्स्ट हाउस में इसी कुंडली को पढ़ना है मुझे। फर्स्ट हाउस में कौन सी कुंडली को पढ़ना है, राशि तुल्य दशांश जो मैंने अलग से बना रखी है इसी को पढ़ूंगा मैं। तो फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, दिस इज फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में,
और नाइन्थ हाउस में जो भी आपके प्लेनेट हैं वो इस केस में इम्पोर्टेंट होंगे, इसके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रेडिक्शन देनी है तो। प्लेनेट्स इन द फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट है फॉर प्रोफेशन। इन में से किसी की भी यदि आपकी अंतरदशा है, अब यहाँ पे प्लेनेट कौन से हैं, फर्स्ट हाउस में तो कोई है ही नहीं, फोर्थ हाउस में सैटर्न है, फिफ्थ हाउस में मरकरी है और आपका नाइन्थ हाउस में मून है, इनमें से किसी भी प्लेनेट की अंतरदशा इस नेटिव के प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तीन प्लेनेट यहाँ पे काम के आपके, सैटर्न, मरकरी एंड मून, इनमें से किसी की भी अंतरदशा इसकी प्रोफेशन या तो इसका जॉब लगेगा या जॉब में प्रमोशन होगा, जॉब चेंज होगा, इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। आपसे नेटिव आके पूछता है इसका जॉब कब लगेगा, आप देखिए इनमें से किसी प्लेनेट की अंतरदशा चल रही है क्या, अंतरदशा चल रही है इसके बाद आप ट्रांजिट देखेंगे, आप कह सकते हैं हाँ जॉब लगने वाला है इसका, कब लगने वाला है बता सकते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जो भी प्लेनेट इसके लगने से कंजक्टेड हो, लगने से कंजक्टेड हो जो भी प्लेनेट, अब इसका लगने से देखिए कौन है, लगने से इसका सैटर्न, शनि, 11 साइन है, इसका लगने शनि हो गया, तो लगने से यदि कोई भी प्लेनेट कंजक्टेड हो, कंजक्टेड इस केस में कोई भी नहीं है, यहाँ पे शनि अकेला है, मगर शनि के साथ यदि कोई दूसरा प्लेनेट होता तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता। और दूसरी चीज बता देता हूं, लग्नेश के साथ जो भी प्लेनेट रखा होता है उससे रिलेटेड प्रोफेशन पर्सन के लिए बेटर होता है और इन जनरल उससे रिलेटेड प्रोफेशन में ही वो जाता है। अब लग्नेश से रिलेटेड कोई प्लेनेट नहीं है, कंजक्टेड नहीं है, तो आप देखिए उसको कौन से प्लेनेट्स देख रहे हैं। तो इस चार्ट को मैं देखता हूं तो देखिए मार्स उसको देख रहा है और जुपिटर भी देख रहा है, किसी भी हाउस से कोई भी प्लेनेट अपने से सेवेंथ हाउस को देखता है, तो इस सैटर्न को मार्स भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है, सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन हो गया और ऊपर से जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो गया, तो सैटर्न और मार्स जो होता है पर्सन को या तो इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है, इंजीनियर भी बनाता है, यही सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन, और यदि जुपिटर एस्पेक्ट डाल रहा हो तो वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एजुकेशन में भी जाता है, पर्सन लोगों को एजुकेशन देता है, प्रोफेसर हो सकता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर या कहीं किसी इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनर हो सकता है, इस तरीके के पर्सन होगा वो, क्योंकि सैटर्न और मार्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है आपके, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है बड़ा वो, क्योंकि सैटर्न जिसका रूलर होता है वो लोग बहुत सारे लोगों पर राज करते हैं, बहुत सारे लोगों से काम लेते हैं, तो इसका जो प्रोफेशन रिलेटेड होगा आपका इस चार्ट के बेस पे मैं बता रहा हूं, तो हम किस बेस पे डिसाइड करेंगे कि लग्नेश के साथ कौन सा प्लेनेट रखा हुआ है उससे रिलेटेड प्रोफेशन होगा, किस प्लेनेट का क्या प्रोफेशन होगा वो आप सिग्निफिकेशन में देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियोस में, और यदि नहीं है तो फिर आप देखिए उसको कौन एस्पेक्ट कर रहा है, देख रहा है उसको। ऑल्सो यदि कोई यहाँ पे तो कंजक्टेड है नहीं, यदि कोई प्लेनेट इसके साथ हो कंजक्शन में हो तो उसकी अंतरदशा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके प्रोफेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, तो अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेनेट्स पता चल गए, इसके प्रोफेशन से रिलेटेड ये तीन प्लेनेट हैं आपके, सैटर्न, मरकरी एंड मून, शनि, बुध और चंद्रमा। अब जब भी एक, चार, पांच, नौ हाउस से, घरों से यदि कोई भी बेनिफिक प्लेनेट ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, बेनिफिक प्लेनेट वैसे होते हैं आपके वीनस, शुक्र, जुपिटर, मून एंड बुध, मरकरी, मगर मेनली आप जुपिटर को ले लीजिए क्योंकि उसका ट्रांजिट ज्यादा पीरियड का होता है, बाकी का जैसे मून का ट्रांजिट तो दो या तीन दिन का होता है तो उतने टाइम में तो जॉब मिलने वाला नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसे ही जुपिटर वीनस का भी आपका अराउंड वन मंथ होता है और मरकरी का या बुध का भी 45 दिन के आसपास होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हम कंसीडर करके चलते हैं जुपिटर का। तो जुपिटर जब भी इस नेटिव के इस हाउस से, इस हाउस से, इस हाउस से
और इस हाउस से ट्रांजिट कर रहा होता है तो उसकी यदि दशा और अंतरदशा फेवरेबल चल रही है, दशा अंतरदशा किसकी चल रही है, इनमें से किसी की भी चल रही है, तो उसको जॉब लगने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। दूसरा, जब लग्नेश आपका ट्रांजिट करे, इस केस में लग्नेश है शनि सैटर्न, इनमें से किसी भी हाउस से लग्नेश ट्रांजिट करता हो तभी भी प्रोफेशन के लिए अच्छा होता है। तो कौन कौन ट्रांजिट करता हो इन चारों हाउस से, एक तो जुपिटर हो गया, तो इस केस में जुपिटर ट्रांजिट करे यहां से यहां से यहां से यहां से गोचर में यहां पे चल गया है, या फिर लग्नेश करे तो यहां पे लग्नेश शनि है, तो शनि इनमें से किसी भी हाउस से यदि ट्रांजिट करेगा तभी भी इसके प्रोफेशन के लिए अच्छा होगा। एक और चीज मैं बता देता हूं, अष्टक वर्ग की जिनको नॉलेज है, सर्वाष्टक वर्ग की, यदि आपका ट्रांजिट तो हो रहा है, सपोज इससे आपका लग्नेश ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर कर रहा है, या इस हाउस से कर रहा है, इस हाउस से कर रहा है, इस हाउस से कर रहा है, ये हाउसेज रिलेटेड टू प्रोफेशन है, यदि इनमें सर्वाष्टक वर्ग में 34 से ज्यादा पॉइंट्स है तो उसका काम बनने की 90% पॉसिबिलिटी है। जैसे आपका बृहस्पति ने इस हाउस से ट्रांजिट किया और इस हाउस में आपके सर्वाष्टक वर्ग में 34 पॉइंट्स है तो उसका पक्का जॉब लगेगा ही लगेगा। पॉइंट यदि 25, 26, 29, 30 हैं तभी भी लग सकता है, मगर उतनी ज्यादा सर्टेनली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। यदि सर्वाष्टक वर्ग में जिस भी हाउस से ट्रांजिट कर रहा है तो उसके जॉब लगने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। फर्दर, यदि आपका दशा और अंतरदशा लॉर्ड, जिसकी दशा है अंतरदशा चल रही है, वो किसी भी तरीके से दसवें घर से रिलेट हो जाए, ये जॉब से रिलेटेड बता रहा हूं मैं, जिसकी दशा और अंतरदशा चल रही है वो किसी भी तरीके से 10th हाउस से रिलेटेड हो जाए तो उस पर्सन का जॉब लगता ही लगता है। अब मैं आपको बताता हूं, ये नेटिव मेरे पास आए थे आज से अराउंड 15 या 20 दिन पहले आए थे, आपको मैं बताऊं सरप्राइजिंग, तो मैंने इनका चार्ट देखा तो इनकी जो दशा सीक्वेंस थी वो भी बाय द वे इनकी वीनस की दशा में मरकरी की अंतरदशा थी, वीनस की दशा में मरकरी की, तो आप ध्यान से देख लीजिए कि मरकरी इन्हीं हाउसेज में आ रहा है, तो मैंने इंपॉर्टेंट प्लैनेट बताए थे आपको सैटर्न मरकरी एंड मून की, इनकी अंतरदशा इसके प्रोफेशन के लिए अच्छी है। मरकरी की अंतरदशा चल रही थी, फिर मैंने ट्रांजिट देखा तो ट्रांजिट में आपको बताया इस टाइम जुपिटर यहां से ट्रांजिट कर रहे हैं फर्स्ट हाउस से, मरकरी की अंतरदशा है शुरू ही हुई थी इनकी, और वीनस में मरकरी की अंतरदशा शुरू हुई थी और आपका सैटर्न यहां पे ट्रांजिट कर रहा है, सैटर्न यहां पे ट्रांजिट कर रहा है, तो मैंने देखते ही इनको कहा कि भाई आपका जॉब लग सकता है और जॉब भी किससे रिलेटेड होगा, मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है क्या, तो ये लड़की का चार्ट है, आपकी बिटिया ने कोई एमटेक वगैरह किया हुआ है क्या, उन्होंने कहा एमटेक किया हुआ है। देखिए एमटेक भी मैंने इसके बेस पे बताया, इसका आपका देखिए ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस के अंदर आपका 3 साइन में मरकरी ऑन साइन में, तो ये काफ़ी अच्छा है इसके लिए, तो इन्होंने एमटेक किया और ये इनकी बेटी की एज ए प्रोफेसर अभी 4 या 5 दिन पहले उनका मेरे पास रिंग आया है कि उसका कहीं इंटरव्यू दे रखा था तो उसका जॉब का लेटर आ गया है, तो इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप लोग इस किसी भी डिविजनल चार्ट को सिमिलर वे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, जब हम ट्रांजिट देखते हो तो आपको सर्वाष्टक वर्ग का भी ध्यान रखना है कि जिस भी हाउस से ट्रांजिट हो रहा हो, यहाँ पे इस नेटिव के फर्स्ट हाउस में 40 पॉइंट्स थे तो यहां से जुपिटर ने ट्रांजिट किया, दूसरा आपका मरकरी की अंतरदशा थी, जुपिटर का ट्रांजिट हो गया, मरकरी की अंतरदशा हो गई, तो इस तरीके से इस पर्सन का आपका क्या हुआ जॉब लग गया। तो यू कैन चेक इन दिस वे, ये मेरी एक स्पेशल टेक्निक है जो काफी रिसर्च के बाद क्रिएट की हुई है इधर उधर से इनपुट लेके, तो आपको इन चीजों को कोई भी इन जनरल एस्ट्रोलॉजर बताने वाला नहीं है, क्योंकि ये उनकी पर्सनल टेक्निक्स होती है जिसके बेस पे वो अपना प्रोफेशन करते हैं, और मेरा ऑब्जेक्टिव जस्ट इसको एस्ट्रोलॉजी को सभी लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। आई होप आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू।